सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। डर का पैलेस्ट्रेस आज का टॉपिक दोस्तों, आज की होम्योपैथिक रेमेडी। ये एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी, एक बहुत ही रेयर रेमेडी आपके लिए चुन के लाया हूँ फ्रॉम द हिडन ट्रेजर्स ऑफ होम्योपैथी। बट बहुत ही गुणों से भरपूर है दोस्तों। इसको हम ना वी कैन कॉल इट एज द GI स्पेशलिस्ट, द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट। क्यों? क्योंकि इट मेनली द इसका जो कवरेज है ना, दैट इज द GI ट्रैक्ट। ठीक है, इट इज़ नॉट द स्टमक बट ऑल द GI पार्ट, द इंटेस्टाइन्स एंड ऑल। बहुत चुनिंदा इसके सिम्टम्स रहते हैं। आज डिटेल में बात करेंगे कहाँ ये हमारी मदद करती है और इसको क्यों GI स्पेशलिस्ट कह सकते हैं हम। लेट्स टॉक अबाउट डर का पैलेस्ट्रेस। दोस्तों, डर का बेसिकली इज अ डेसीडुअस श्रब। ये ट्री से छोटा रहता है, इट्स अ प्लांट बेसिकली, पेड़ से छोटा रहता है। एंड इट्स फाउंड इन द स्वैम्पी, इन द मार्शी, इन द डैम्प फॉरेस्ट्स, जहाँ ना डैम्पनेस बहुत ज़्यादा है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, डेंस फॉरेस्ट हैं। केंटकी, पेंसिल्वेनिया, कैनेडा, उन एरियाज में पाया जाता है, उन फॉरेस्ट में। ठीक है, और इसका ना इरेक्ट स्टेम रहती है। बेसिकली जो इसका बार्क है, दैट इज टफ, येलिश ब्राउन कलर का रहता है, और सब गुण इस बार्क के अंदर ही हैं। राइट, द होम्योपैथिक टिंचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इनर बार्क। इट इज कवर्ड बाय द होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, एंड इट इज प्रूव्ड बाय डॉक्टर स्पूनर। दोस्तों, डरका का जो टिंचर है ना, जो इनर बार्क से तैयार किया जाता है, इट कंटेन्स बिटर्स, इट कंटेन्स फ्लेवोनॉइड्स, इट कंटेन्स टैनिन्स एंड वोलाटाइल ऑयल्स। बहुत महत्वपूर्ण रोल इसका रहता है। आइए बात करते हैं डरका के यूजेस की, कहाँ हमें फ़ायदा पहुँचाता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, डरका बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज दैट ऑफ डेफने इंडिका एंड मिजीरियम। वेरी टू इम्पॉर्टेंट रेमेडीज, वेरी इम्पॉर्टेंट रेमेडीज ऑफ होम्योपैथी। एंड डरका पैलेस्ट्रेस इज द ओनली अमेरिकन मेम्बर ऑफ द फैमिली, ये भी कह सकते हैं। आइए यूजेस की बात करते हैं, कैसे हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं। GI ट्रैक्ट के सिम्टम्स बहुत प्रोनाउंसड हैं, जैसे मैंने कहा, बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम्स है दैट डरका टेक्स केयर ऑफ। और सबसे पहले महत्वपूर्ण सिम्टम रहता है, दैट इज़ डेबिलिटी, दैट इज़ वीकनेस कह लीजिए, अंदरूनी कमजोरी, थकान। वाई? बिकॉज ऑफ द रिलेटेड GI सिम्टम्स, पेट के जो सिम्टम्स रहते हैं उसमें क्या रहता है, कॉलिक। सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम दैट डरका टेक्स केयर ऑफ, कॉलिक रहेगा दोस्तों। जैसे ना एब्डोमिनल पेन जिसे हम कहते हैं, बहुत भयंकर किस्म का कॉलिक। ठीक है, अच्छा, उसके साथ लिंक्ड क्या रहेगा, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। देखिए दोनों कैसे डरका टेक्स केयर ऑफ, आगे मैं बताता हूँ आपको। देन डिस्पेप्सिया देखा गया, बदहजमी कह लीजिए, इनडाइजेशन, अगेन गैस्ट्राइटिस के गैस्ट्रिक सिम्टम्स रहते हैं। एंड फ्लेचुलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, पेट में अफारा, गैस एक्यूमुलेट हो जाने, फ्लेचुलेंस। ठीक है, अच्छा, कुछ ना इसके अफेक्शंस ऑफ हार्ट, दैट ऑल्सो डरका टेक्स केयर ऑफ। न्यूरोल्जिया के और रूमेटिज्म के भी कुछ सिम्टम्स डरका टेक्स केयर। आइए देखते हैं द GI सिम्टम्स कौन कौन से हैं, कैसे डरका पैलेस्ट्रेस हमें फ़ायदा पहुंचाती है। डरका पैलेस्ट्रेस का जो पेशेंट रहेगा ना, उसकी जीभ एक पे ना एक वाइट कलर की कोटिंग रहेगी, दिस इज ए वाइट कोटिंग ऑन द टंग, जैसे कि ना, और वो बहुत यूनिफॉर्म स्मूथ रहेगी, म्यूकस की कोटिंग हुई पड़ी है। जैसे कि देखिए, जुबान से अंदाज़ा हो जाता है कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग, द डाइजेशन इज़ डिसऑर्डर्ड। और यहाँ वाकई में डाइजेशन इज़ डिसऑर्डर्ड इन द पेशेंट, यानी कि हाजमा तंदुरुस्त नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना बहुत ज़्यादा इसमें जैसे वेट रखा हुआ है पेट में, देयर इज वेट इन द स्टमक विच लीड्स टू कॉलिक। बहुत भयंकर किस्म का एब्डोमिनल पेन रहता है, दर्द रहता है पेशेंट को, वो रेस्टलेस रहता है, पोजीशंस चेंज करता रहता है, किसी पोस्चर में उसको आराम नहीं मिलता। स्पेशली व्हेन द पेशेंट बेंड्स फॉरवर्ड, आगे को जब झुकता है, बेंड करता है, तो उसका दर्द बढ़ता है, द कॉलिक एग्रवेट्स, बढ़ जाते हैं। एंड स्टूल पास करने से भी उसको कोई रिलीफ नहीं है, दर्द बढ़ता है। अच्छा, डाइजेशन के GI सिम्टम्स जो बहुत ना प्रोमिनेंट हैं, प्रोनाउंस्ड है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं बहुत चुनिंदा वर्ड्स का इस्तेमाल करूँगा, द रंबलिंग ऑफ फ्लैचुलेंस इज ऑब्जर्व्ड।
आपने शायद खुद भी कभी ये ऑब्जर्व किया होगा, कई बार ऐसा होता है कोई फ्लैचुलेंट फूड खा लिया, उस वजह से ना एकदम से ब्लोटिंग हो गई है, पेट फूल गया है, अफारा हो गया है, फ्लैचुलेंस बहुत हो गया है फ्लैचुलेंट फूड खाने के बाद, और जैसे ना रंबलिंग साउंड्स आ रही हैं। पेशेंट अक्सर क्लिनिक में आके बोलते हैं कि गुड़ गुड़ की आवाज़ आ रही है, पेट में इतनी गड़बड़ है, गैस का गोला घूम रहा है, एंड साउंड्स आर इमिटिंग, रंबलिंग साउंड, देर इज रंबलिंग ऑफ फ्लैचुलेंस, इतना ज़्यादा गैस बन जाती है, देर इज एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ गैस इन द स्टमक, राइट। अब जब गैस बहुत एक्यूमुलेट हो गई ना, तो प्यास भी खत्म हो जाएगी पेशेंट की, द थर्स्ट, आई मीन द पेशेंट विल बी थर्स्टलेस, प्यास लगेगी नहीं, बहुत कम लगेगी, एंड एम्प्टी इरेक्टेशंस जिन कहते हैं ना, खाली डकार बार बार आएंगे, जिससे कोई रिलीफ भी नहीं रहेगा पेशेंट को। अच्छा, यहाँ आई इनिशियली स्पोकन ऑफ लाइक कॉन्स्टिपेशन, डायरिया कैसे रहता है, इसमें ना पेशेंट को डायरिया रहेगा पहले, लूज स्टूल्स पास करेगा पेशेंट, मोशंस प्रॉपर नहीं रहेंगे, विच विल लीड टू टेनिज्मस काइंड ऑफ सिम्टम्स। टेनिज्मस यानी कि देर विल बी अर्ज टू पास द स्टूल, स्टूल पास करने की इच्छा होगी लेकिन कर नहीं पाएगा, दैट वे इनफेक्चुअल अर्ज, और दर्द करेगा, पेनफुल रहेगा ये सिम्टम, तो इसका टेनिज्मस कहा जाता है, एंड दैट विल लीड टू कॉन्स्टिपेशन, आगे जाके वो कब्ज कर देगा। सो दिस इज हाउ डरका पेलेस्ट्रेस टेक्स केयर ऑफ बोथ कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया टुगेदर, ठीक है, इस सीक्वेंस में रहते हैं। ओके, अब ये गैस्ट्रिक सिम्टम्स की वजह से दिन भर उसको ना वर्टिगो भी रहेगा, हल्के हल्के चक्कर रहते हैं, और हेडेक रहेगा, सिर में दर्द रहेगा, जो कि जैसे ना प्रेशर दबाने से रिलीफ नहीं मिलेगा उसको, कोई हेडेक और बढ़ेगा, एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम द पेशेंट विल बी हॉट एंड रेस्टलेस रहेगा, वो करवटें बदलता रहेगा, उसको नींद नहीं आएगी, ही विल बी अनएबल टू स्लीप, नींद प्रॉपर नहीं आएगी, जितनी देर नींद आई है उसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम इज ड्रीम्स ऑफ डेड बॉडीज, राइट। अच्छा, इसमें ना कुछ सिम्टम्स हार्ट अफेक्शंस की कहे थे, लाइक इतने उसको डेबिलिटी रहती है कि थोड़ा सा एग्जर्ट किया, थोड़ा सा मूवमेंट की ना, ऑन लीस्ट मोशन द हार्ट गेट्स एक्साइटेड, पैल्पिटेशंस शुरू हो जाएंगी, धड़कन तेज होनी शुरू हो जाएगी, राइट, एंड ऑल्सो ऑब्जर्व द वीक एंड इरेगुलर पल्स, पल्स भी उसकी बहुत फीबल हो जाएगी, इरेगुलर रहेगी, कभी स्लो कभी तेज, दैट इज डरका पेलेस्ट्रेस। तो दोस्तों, दिस वॉज द समराइज्ड फॉर्म ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ डरका पेलेस्ट्रेस, इसको क्यों GI स्पेशलिस्ट कहा गया, आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर, है ना, जहाँ जहाँ जरूरत समझें, वी कैन ऑलवेज यूज डरका पेलेस्ट्रेस, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं हम, ऑफकोर्स अंडर मेडिकल सुपरविजन। डोजेज की बात करें, मदर नेचर Q मैंने बोला, जैसे इनर बाग से तैयार किया जाता है, Q इज़ वेरी इफेक्टिव, और इसके अलावा डाइल्यूशंस में भी इट इज़ फ्रीली अवेलेबल, डरका इज़ अवेलेबल इन राइट फ्रॉम 6C, 30C, 200C, 1M, 10M, all the potencies are available depending upon the severity of the case, severity of the symptoms. For example, जितना chronic case रहे ना, पुराने symptoms चलते आ रहे हैं बुजुर्गों में भी, और जितना पुराना केस है, सिम्टम्स पुराने हैं, वी शुड ऑलवेज बिगिन, आइडियली बिगिन विद अ स्मॉल पोटेंसी, लॉन्ग टर्म चलना है, 6C इज आइडियल, 30C भी दे सकते हैं, कोई एक्यूट केस है, वी कैन स्टार्ट विद 200 पोटेंसी एज वेल। टॉक टू योर फिजिशियन, अपने डॉक्टर से बात करें, गिव योर केस, डिस्कस योर सिम्टम्स, लेट द डॉक्टर डिसाइड द डोजेज एंड पोटेंसी। डरका पेलेस्ट्रेस बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, द GI स्पेशलिस्ट दैट टेक्स केयर ऑफ अवर GI ट्रैक्ट। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फायदा पहुँचाएगा। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ, और ऐसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आऊँगा आपके साथ, आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, दिस टफ टाइम्स, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, है ना, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।